हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आप उसका बैलेंस पता करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए, साथ ही आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक नंबर डायल करना है, 09223008586। दोस्तों, ये नंबर है, आपको ये नंबर अपने फ़ोन से डायल करना है। जैसे आप इस नंबर को डायल करेंगे तो आपके सामने एक SMS आ जाएगा और उस SMS में आपका जो भी बैलेंस है बैंक अकाउंट का वो आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आप कॉल करके इस नंबर पे पता कर सकते हैं अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट का बैलेंस। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस ये होते हैं कि आपके फ़ोन में 1 रुपये का बैलेंस होना ज़रूरी होता है और इसके अलावा उस फ़ोन में जो भी आपका नंबर है जो बैंक में रजिस्टर्ड है उसी से आप कॉल करेंगे तभी आपको ये बैलेंस पता चल पाएगा। और इसके अलावा उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपके सामने एक SMS आ जाएगा, उस SMS में आपका बैंक का जो भी बैलेंस है वो वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इसके लिए इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स होनी चाहिए, 1 रुपये का बैलेंस होना चाहिए और रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए आपका जो भी बैंक अकाउंट में। अगर आपका बैंक अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको अपना जो नंबर है वो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट इस नंबर से यूज़ कर सकते हैं, इस नंबर से आप चेक कर सकते हैं। इस नंबर पर सिर्फ आपको एक मिस कॉल करना है, उसके बाद में रिवर्ट में आपको 10 सेकेंड के अंदर एक SMS आता है, उससे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलते रहते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।